हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल UPPCL हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपने जो UPPCL में रूलर की पुरानी जो अकाउंट आईडी थी कंज्यूमरों की, वो 12 अंकों की थी, देन वो बदल करके अब 2023 में जुलाई 2023 में वो 10 अंक की कर दी गई है, जो कि रूलर से टाउन में कर दिया गया है। तो वो आपको अपनी पुरानी अकाउंट आईडी से नई अकाउंट आईडी आपको कैसे जनरेट करनी है, वो आज हम आपको करके बताएंगे। तो आपको हम चलिए वीडियो करने से पहले आप हमारी स्टार्ट करने से पहले और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिएगा, अब आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है तो हम आपको बता देते हैं। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, गूगल क्रोम आप ओपन कर सकते हैं। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा। हम आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करके दिखा देते हैं। पहले हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है UPPCL सर्च करना है ओनली। UPPCL सर्च करने के बाद जो आपकी वेबसाइट आएगी पे बिल होम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस पे पहले आपका टाउन का बिल जमा होता था, आप ऑनलाइन अपना टाउन का बिल जमा कर सकते थे। और जो नीचे दी जाती थी उसमें पे बिल की, अब UPPCL बिल पेमेंट ऑनलाइन की जो वेबसाइट थी वो अभी शो नहीं हो रही है। तो अभी आपको क्या करना है, नया अकाउंट आईडी जनरेट करने के लिए आपको अपना पे बिल होम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है। अगर आपको अपना बिल चेक करना है तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। मैं बिजनौर से बिलोंग करता हूँ तो मुझे बिजनौर चुनना है। और यहाँ पर आपको अपनी 10 अंक की अकाउंट आईडी घेर देनी है। तो 10 अंक की अकाउंट आईडी जनरेट होने के बाद आपको 10 अंक की अकाउंट आईडी घेर देनी है। यहाँ पर आपको अपना कैप्चा डाल देना है, व्यू कर देना है, बिल आपका शो हो जाएगा। तो हमें अपनी नई अकाउंट आईडी कैसे जनरेट करनी है, आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, होम, एनर्जी सेविंग, टैक्स पॉलिसी, टेंडर इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, FQs, कॉन्टैक्ट यूट, फीडबैक। तो आपको जो क्लिक करना है होम पर क्लिक करना है। देन जैसे आप होम पर क्लिक करते हैं, होम पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहेगा नाउ योर न्यू अकाउंट नंबर फॉर रूलर कंज्यूमर। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ऊपर करना है, डिस्कॉम आपको अपना चुनना। हमारा डिस्कॉम जो है दोस्तों, हमारा डिस्कॉम है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो डिस्कॉम है दोस्तों वो हमारा है पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम। तो देन आपको अपना इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी इसके बीच में पुरानी अकाउंट आईडी डाल देनी है, जो आपके 12 अंकों की अकाउंट आईडी है वो आपको इसमें डाल देनी है। तो हम डाल देते हैं इसमें जैसे कि 77 170 034 62 263 एंड यहाँ पर। देन इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है 8 और 7 प्लस 15। जैसा आप 15 डालेंगे, व्यू करेंगे तो यहाँ पर जो है इन होल्ड अकाउंट नॉट फाउंड, मतलब ये जो है अकाउंट नॉट फाउंड है, ये इस नाम का कोई अकाउंट नहीं है। तो मैं कोई अकाउंट आईडी डाल करके आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अकाउंट आईडी डाल रहा हूँ 71 93 091 019 14 598। जैसे मैंने ये अकाउंट आईडी डाली, नीचे मुझे क्या करना है 5 और 3 8 प्लस करके मुझे यह जोड़ देना है दोस्तों। तो ये मैंने सब कर दिया है, तो ये मैंने पूरा अपना फिल कर दिया है। ये फिल करने के बाद आपको अपना क्या करना है कि यहाँ पर व्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे, इसकी जो 10 अंकों की अकाउंट आईडी है आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर इसका सभी कुछ शो हो रहा है। इसकी पुरानी अकाउंट आईडी, ऑल 12 डिजिट अकाउंट नंबर आपका इसका शो हो रहा है, और इसका न्यू 10 डिजिट अकाउंट नंबर इसका शो हो रहा है, नीचे इसका पर्सन का नेम शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये अकाउंट आईडी आपको कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा होम पर जाना है। अगर आपको बिल अपना चेक करना है, हमारा बिल कितना है, तो बिल चेक करने के लिए आपको करना है पेंडिंग एरियर स्टेटस। आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये जो है पेंडिंग एरियर स्टेटस, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। देन उसके बाद आपको अपनी 10 अंक की अकाउंट आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी। जैसे आप अपनी 10 अंक की अकाउंट आईडी डाल दोगे तो उसके बाद आपको अपना ये जो कैप्चा है ये आपको जोड़ करके यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है बिल वो शो हो जाएगा। हम आपको आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना डिस्ट्रिक्ट हमने अपना यहाँ पर डिस्कॉम चूज किया। डिस्कॉम चूज करने के बाद अपनी अकाउंट आईडी डाल दी। अकाउंट आईडी डालने के बाद हमने अपना कैप्चा फिल कर दिया 8311 और यहाँ पर सर्च पर हमने क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ पर सर्च पर क्लिक किया, व्यू एरिया पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप, तो यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हमने क्या करना है, हमने पूरा ही काट देना है, अपना पूरा बैक आ जाना है दोस्तों। हमने पूरा बैक आने के बाद तो आपको UPPCL दोबारा सर्च करना है। जैसे आप UPPCL सर्च करेंगे, आपको अपना पे बिल होम पर आपको क्लिक करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों हमारा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, मैंने बिजनौर चूज कर लिया है दोस्तों। तो बिजनौर है हमारा BIJNOR बिजनौर, बिजनौर मैंने दोस्तों चूज कर लिया। बिजनौर चूज करने के बाद हमने अपनी यहाँ पर 10 अंक की अकाउंट आईडी डाल दी है दोस्तों, पेस्ट कर दिया। पेस्ट होने के बाद 7512 और हमने यहाँ पर व्यू पर क्लिक कर दिया। तो देखिए दोस्तों हमारा जो बिल है वो खुल करके आ गया। हमारा बिल जो है 0 रुपये है, जो कि पहले जो था 1643 रुपये था, अब की 0 हमारा बिल है। तो दोस्तों ऐसे हम अपना न्यू अकाउंट आईडी जनरेट कर सकते हैं।